अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम इमरान असलम, यू आर वाचिंग गुरु स्किल चैनल। आज आपको मुतलका दिए गए टॉपिक के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि गुरु स्किल के आने वाले नए वीडियो आपको मिल सके। आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। गुरु स्किल की तरफ से आज के नए टॉपिक के साथ सेट्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग में हम डिस्कस करेंगे कि सेट्स क्या हैं और इनका इस्तेमाल क्या है पाइथन प्रोग्रामिंग के हवाले से। सबसे पहले आपको बताते चलें कि सेट्स कलेक्शन डाटा टाइप्स का ही हिस्सा हैं। जैसे कि ये आपको पहले बताया था कि ये अनऑर्डर्ड और अनइंडेक्स होते हैं, और इसमें जैसे कि आपने लिस्ट में देखा स्क्वायर ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट्स आपने टप्पल में देखा, और अब इसमें कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ होंगे। तो सबसे पहले हम एक सेट क्रिएट करेंगे। सेट को क्रिएट करने के लिए सेट का कोई भी नाम रख लें, सेट वन इसका नाम हमने रख लिया। इसकी कर्ली ब्रैकेट से हम इसको हाउस बाय कोई भी सेट टेक बना लेते हैं, कार रिक्शा, ये हमारा एक सेट और उसकी वैल्यू हमने फीड कर दी है। प्रिंट सेट वन, इसमें आप को स्टार्टिंग में ही हम एक चीज़ हाईलाइट करते चलें कि गलती से हमारे पास यहाँ पे कॉमा की जगह हमने डॉट लगा दिया है तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। तो ये देखेंगे उसने इनवैलिड सिंटैक्स का दे दिया, यहाँ पे गलती से मुझसे कॉमा टाइप हो गया है, कॉमा सॉरी डॉट टाइप हो चुका था, जिस वजह से वो प्रिंट नहीं हो रही थी आपका सेट। जैसे मैंने उसको करेक्शन किया है तो आपका ये सेट जो है ये प्रिंट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम बताएंगे कि कोई आइटम को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, फ्रॉम एक्सेस आइटम फ्रॉम सेट। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या सिंटैक्स यूज होगा, ये आपको बताएंगे हम। सेम वही आप एक सेट कॉपी कर लें ताकि आपको बार बार टाइप ना करना पड़े। अब ये देखेंगे सेट जो है इसमें आपके इसमें डायरेक्ट जो आप सेट को बाय इंडेक्सिंग, जिस तरह हमने टप्पल या लिस्ट में इंडेक्स के जरिए एक्सेस किया था आइटम्स को, इसमें हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये अनऑर्डर्ड होते हैं और सेट्स में कोई इंडेक्स नहीं होता। जैसा कि पहले टप्पल या उसमें लिस्ट में इंडेक्सिंग हुई थी, इसलिए हम उसके ज़रिए उसको एक्सेस कर रहे थे। तो इसके लिए हम फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे और उसके ज़रिए हम वैल्यू को एक्सेस जो है
सेट में यूज़ इन कीवर्ड यूज़ करते हुए इन कीवर्ड का, तो उसके ज़रिए हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। वो किस तरह करना है वो आपको हम अभी बताते हैं। सेम हमने सेट इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे हम इन कीवर्ड यूज करते हुए तो हम एक वैल्यू एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। फॉर एक्स इन दिस सेट वन, सेट वन फॉर छोटी छोटी मिस्टेक आपके लिए इश्यू बनती हैं, इसको थोड़ा चेक कर लें। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उसमें इतना ज़्यादा आपको फिर उस पर अबूर भी हासिल हो जाएगा, क्योंकि बाद फर्स्ट सिंटैक्स में आप फ्लो में चल रहे होते हैं और अक्सर औकात कोई ना कोई गलती हो जाती है। जैसा कि अब ये सेट था, इसमें हमने एक लूप के मदद से तो वन बाई वन सारी वैल्यू को एक्सेस कर लिया। वैसे इंडेक्सिंग के ज़रिए आप इसको नहीं कर सकते थे क्योंकि लूप के बगैर, क्योंकि उसमें कोई इंडेक्सिंग नहीं होती सेट में, तो इस वजह से आप इंडेक्स के ज़रिए किसी भी वैल्यू को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, अब चेक करना चाह रहे हैं कि कोई वैल्यू उसमें प्रेजेंट है, तो वो भी आप इसको प्रेजेंट के ज़रिए इस तरह चेक करेंगे। जैसे ये हाउस, अब मैं चाह रहा हूँ कि बाइक इन सेट वन, तो ये आपका ट्रू फॉल्स दे देगा अगर आप वो वाली आइटम उसमें प्रेजेंट है तो वो आपको ट्रू कर देगा, अगर नहीं कोई इस तरह की तो वो आपको हेलमेट। ये देखेंगे आपने उस इन के जरिए इन मेथड को यूज करते हुए इस पे चेक किया है कि ये वाली वैल्यू इसमें प्रेजेंट है या नहीं है सेट के अंदर। तो इन कीवर्ड यूज करते हुए आप ये वाला जो प्रैक्टिकल वर्क है इसका वो कर सकते हैं। इसी तरह ऐड मेथड को इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी आइटम, कोई भी वैल्यू इसमें आपके जो सेट में है वो ऐड कर लेंगे। अगर आपने एक से ज़्यादा, अगर तो एक वैल्यू ऐड करनी है तो आप ऐड मेथड इस्तेमाल करें, अगर एक से ज़्यादा करनी है तो फिर आप अपडेट का मेथड इस्तेमाल करें। जैसे कि इसमें आप चाहते हैं कि सेट वन डॉट कोई एक और वैल्यू इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे हाउस, बाइक, कार, रिक्शा, और इसमें आप कोई एक आध वैल्यू रैंडमली ट्रैक कर दें। तो ये देखें कि आपने एक वैल्यू ऐड कर दी है जो कि ट्रक है, तो अगर तो एक वैल्यू आपने इस्तेमाल करेंगे तो एक वैल्यू ऐड करनी है तो जस्ट आप
इसके लिए एड इस्तेमाल करेंगे। अब सेम अगर मैं इसी सिंटैक्स को ले लेता हूँ और साथ एक और वैल्यू ऐड करने की कोशिश करता हूँ, तो ये क्योंकि आपको पहले बताया था कि एक से ज़्यादा वैल्यू ये ऐड मेथड आपको ऐड नहीं करने देगा, इसके लिए आपको जस्ट अपडेट मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा अपडेट मेथड आपको इस्तेमाल करते वक्त जो भी वैल्यू आपने ऐड करवानी है उसमें आपको थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ना है कि आपने उसको एज ए लिस्ट ऐड करना है। ये देखें, आपने अपडेट किया है, वो कर तो दिया है, लेकिन उसमें उसने आपको इसका सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट कर दिया है। तो यहाँ पे आप अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स इस्तेमाल करेंगे एज ए लिस्ट इसको प्रेजेंट करेंगे तो रिजल्ट आपका डिफरेंट होगा। इसमें स्प्रिंट को इंडेंट का इशू आ गया है। तो अब आप देखें कि इसमें अगर एक से ज़्यादा वैल्यू है तो आपको एज ए लिस्ट फिर उसमें आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स भी यूज़ करना पड़ेंगी, तब जाके आप इसमें मोर देन वन वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा इंडेंट और जो आपके स्मॉल कैप्स, कैप्स लॉक, टाइटल कैप्स, इनका भी ख्याल रखना है क्योंकि पाइथन में ये काफ़ी इशू बनते हैं। अब मैं इसकी लेंथ को चेक करना चाह रहा हूँ, तो लेंथ के लिए चेक लेंथ ऑफ सेट इन पाइथन, अब यहाँ पे मैं इसकी लेंथ जो ऑलरेडी मैंने एक सेट बनाया उसकी लेंथ मैं चेक करना चाह रहा था, वही जैसा कि पिछले हमने लिस्ट और टप्पल में इस्तेमाल किया था, इसको वर्ड का यूज़ करेंगे लेंथ को मेथड को। और जैसा कि चार वैल्यूज इसके सेट के अंदर दर्ज की गई हैं तो चार वैल्यू उसने आपको डिस्प्ले करवा दिए। अच्छा, अब रिमूव आइटम जो कि इसमें अलो है इसमें आप रिमूव कर सकते हैं, तो रिमूव और डिस्कार्ड आप दो इसके मेथड यूज कर सकते हैं सेट की वैल्यू को डिलीट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। रिमूव और डिस्कार्ड में आपको दो इशू आएंगे कि जो रिमूव है, अगर आपने रिमूव यूज़ किया हुआ होगा तो आपको अगर वो वैल्यू नहीं है तो वो एरर दे देगा। सेम अगर आप चेक करना चाहें कि डिस्कार्ड का क्या फ़ायदा है, तो डिस्कार्ड में ये है कि वो आपको एरर नहीं देगा, वो आपके लिए एरर डिस्प्ले नहीं करेगा। तो दोनों को प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कि इसमें क्या फ़र्क है और ये किस तरह इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले रिमूव मेथड का इस्तेमाल करते हैं, वही सेम वैल्यू लेते हैं
अब मैं रिमूव को अगर इस्तेमाल करता हूँ, सेट वन डॉट रिमूव, तो आपको यहाँ पे वैल्यू देनी होगी हाउस, तो अब आप देखें यहाँ पे रिमूव और सेट में रिमूव और डिस्कार्ड में यही फर्क है कि जब रिमूव इस्तेमाल करेंगे तो वो अगर वैल्यू नहीं होती तो आपको एरर मैसेज देगा। अब हाउस को जैसे हमने रिमूव किया तो हाउस इस सेट के अंदर मौजूद था तो उसने उसको रिमूव कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू देता हूँ कि जो नहीं है तो उसके सूरत में देखते हैं कि क्या डिस्प्ले आता है। साइकिल जो ये देखें कि ये उसने आपको एरर दे दिया है। सेम आपने रिमूव अगर यूज़ किया तो फिर आपको एरर आएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये एरर ना डिस्प्ले हो तो यहाँ पे रिमूव की जगह डिस्कार्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखें कि उसने डिस्कार्ड जो आपकी चारों वैल्यू थी वो उसको डिस्प्ले कर दिया है और आपका जो एरर है वो डिस्प्ले नहीं हुआ। अब डिस्कार्ड के ज़रिए आपकी वैल्यू भी डिलीट हो सकती है अगर वो मौजूद है। तो ये देखें कि आप इसमें अब आपने वैल्यू हाउस दी है तो हाउस उसने डिलीट ख़त्म करके रिमूव करके आपको डिस्प्ले करा दिया। तो उम्मीद है कि इसके हवाले से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि किस तरह इसको प्रैक्टिकल इस्तेमाल करना है। अब नेक्स्ट जो है वो हम आपको ये बताएंगे कि आपने एक सेट बना लिया है तो सेट को आप एम्प्टी कैसे कर सकते हैं, किस मेथड को इस्तेमाल करेंगे तो आपका सेट एम्प्टी हो जाएगा। सेम सेट है, उसमें आपने सेट वन डॉट क्लियर का मेथड इस्तेमाल करना है और आपका ये सेट क्लियर हो चुका है। अब अगर आप इसको वैसे भी प्रिंट करेंगे तो सेट वन अच्छा ये आपका जस्ट वक्ती तौर पे क्लियर करवाएगा। अगर आपने परमानेंटली इसको क्लियर करवाना है तो उसके लिए फिर आपको डेल इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर आपका वक्ती तौर पे आ गया, आपने उसकी आउटपुट लेनी थी। अगर आपने डेल करना है तो फिर उसके लिए आपको डेल सेट वन और प्रिंट डेल सेट वन ये ऑलरेडी क्योंकि क्लियर हो चुका था, दोबारा इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पे डेल सेट वन इज नॉट डिफाइंड, इसको अभी चेक कर लें ताकि
बाज़ दफ़ा सिंटैक्स में आपकी तरफ से कोई भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है तो अच्छा, इसमें जस्ट उसने आपको अब ये बता दिया है कि ये जो आपका सिंटैक्स आपकी कॉपी में पड़ा है, क्योंकि आपने इससे पहले रिमूव कर दिया है, तो रिमूव जब क्लियर का मतलब ये था कि क्लियर जैसे ही आपने किया है तो ये आपका पूरा सेट इस वक्त ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। अगर आपका सेट दोबारा यहाँ पे मौजूद होता तो ये उसको ज़रूर डिस्प्ले करवा देता। अब डेल हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि जो आपका ये आपका रेज करेगा एन एरर बिकॉज अ सेट नो लॉन्गर एग्जिस्ट ऑलरेडी डिलीटेड, क्योंकि आपका सेट ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, ये हमारी कॉपी में ये सारा सेट पड़ा हुआ है इसलिए ये डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप जो इसके हवाले से है वो है कि क्या हम दो सेट्स को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। यस, आप उन सेट्स को दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन टू सेट्स, ज्वाइन टू सेट्स इन पाइथन। उम्मीद है कि आप भी साथ साथ इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता लेके चल रहे होंगे। ये लाइव सेशन और प्रैक्टिकल हम साथ साथ परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी बहुत सिंटैक्स एरर इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि चीज़ें कुछ फ्लो में नहीं चल रही होती। इसमें आप दो मेथड इस्तेमाल करेंगे कि एक तो है यूनियन। यूनियन में ये है कि ये दोनों को कंबाइन करके, जो आप दो सेट्स हो लेंगे उनको कंबाइन करके एक नया सेट आपको बना देगा जिसमें दोनों का ही डाटा होगा या दोनों की वैल्यू होगी। और दूसरा, अब डेट मेथड जो कि एक सेट से दूसरे सेट में एक वैल्यू एडजस्ट करवा देगा, तो वो कैसे होंगे यह मैं पहले यूनियन इस्तेमाल करते हुए एक सेट बनाता हूँ। सेट वन मैं कर लूँगा, उसमें सेट वन को ए बी सी, एक सेट ये बन गया, सेट टू आ गया, सेट टू में अब ये दो सेट बना दिए गए हैं। इन दोनों सेटों को हम बारी बारी यूनियन और अपडेट मेथड के जरिए यूज़ करते हुए इसको फाइनलाइज करेंगे। सबसे पहले ये एक नया सेट बना देगा यूनियन। यूनियन में आप सेट वन को डॉट यूनियन अगर करेंगे सेट टू के साथ और प्रिंट सेट थ्री, ये देखें कि इसने आपको एक नया सेट बना दिया है जिसमें दोनों वैल्यू को, उसने दोनों वैल्यू सेट्स की वैल्यू ले ली है। सेम अगर आप चाहते हैं कि एक सेट को दूसरे सेट के एंड पे वो ले जाए तो उसमें आपके साथ वो
सेट यहाँ पे आपने यूनियन इस्तेमाल किया है, तो आप अपडेट जो है इस्तेमाल कर लें, अपडेट। वो कह रहा है सेट वन डॉट अपडेट सेट टू। अब यहाँ भी आपने क्योंकि एक नया सेट करना था, लेकिन आप यहाँ पे अपडेट के मेथड में आप जस्ट उसके साथ अपडेट करवाएंगे, यानी कि सेट वन को अपडेट सेट टू से करवा देंगे और यहाँ पे सेट वन ही प्रिंट करवाएंगे, तो आपका ये उसने जो वैल्यूज़ है वो ऑटोमेटिकली, यानी कि थर्ड सेट क्रिएट करने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। अब एक काबिले गौर चीज़ यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं अभी के अपडेट का क्या फ़ायदा होगा। अब आपने देखा कि यहाँ पे अपडेट हो या यूनियन हो, आपकी दो वैल्यूज़ रिपीट हो रही थी, तो अब इसने आपकी जो वैल्यू हैं उनको एक्सिक्यूट कर दिया है और आपकी जो दोनों वैल्यू रिपीट हो रही थी वो आपके फाइनल रिजल्ट में रिपीट नहीं होंगी। नेक्स्ट जो है आपका सेट कंस्ट्रक्टर यूज इन पाइथन, सेम लाइक जिस तरह लिस्ट या टपल में हमने यूज़ कंस्ट्रक्टर किया था, इसी तरह आप सेट कंस्ट्रक्टर से डबल राउंड ब्रैकेट्स यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए तो आप अपना ये सेट बना लेंगे सेट वन। अब वही सेट वन को लेते हुए हम सेट कंस्ट्रक्टर की मदद से सेट को क्रिएट करेंगे। ये देखिए ये सेट कंस्ट्रक्टर की मदद से आपने सेट बना लिया है। इस ये अनऑर्डर्ड है और ये रैंडमली आपको डिस्प्ले सेट जो है डिस्प्ले करवाएगा, इसमें कोई सीक्वेंस को इंडेक्स नहीं होगा। जिस तरह से आपने उसकी एंट्री की होगी, वैल्यू एंटर्ड हुई होंगी, वही रैंडमली डिस्प्ले हो सकती हैं। उम्मीद है कि आप साथ साथ ये टॉपिक्स लेके प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे होंगे और आपके फीडबैक कमेंट से हमें कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है कि आप अच्छी तरह इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और आपकी क्यूरीज़ को हम भी सॉर्ट आउट कर रहे हैं और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम खुद भी उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथ साथ ये इंटरेक्टिव जो थोड़ा स्लो लेके चल रहे हैं वो इसलिए लेके चल रहे हैं कि साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहें और चीज़ों को आप भी हमारे साथ सीखने की कोशिश करें। उम्मीद है आज का टॉपिक और हमारी काविश आपको पसंद आई होगी। किसी भी क्वेरी या सजेशन के लिए कमेंट करें, आपके फीडबैक को तरजीह दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।